quality for a director. Yeah. So, I mean, I give him all the credit. Jaise aapko film dikhi thi abhi, you know, the way it's beauty of everything, every frame, to the actors performing, I mean, every single thing, all the credit. Yeah. Debut hai, toh ek achhi kahani chunna bahut important hota hai. And Ravi ne movie dekhi hai, toh jisme har prakar ke shades hai. Aapne love story bhi dekhenge. प्रकार का एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी देखेंगे जैसे साथ से लोकेशन शूट की है. आई मीन एक डेब्यू के लिए इस प्रकार की स्टोरी लेना चैलेंजिंग तो होता ही है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जाइए. ओके सर, इन फ्यूचर अगर काम करेंगे अपने बेटे के लिए, तो सर क्या काम करेंगे,
ये काम करेंगे हम वी फाइटिंग ईच अदर नो नॉट रियली आई बी वेरी नर्वस वर्किंग विद हिम आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू देखिए ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊं क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा ऐसी भारी पर्सनालिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए तो वो स्वाभाविक है नेचुरल है बट इसको बहुत गट्स कल्टिवेट करने होंगे मेरा सामना करने के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में बस मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए इसने बड़ी मेहनत की है इसकी हिम्मत को सराहिए इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए यही कहूँगा होली जो है रंग है होली में भांग है होली में मस्ती है होली में हंसी मजाक है और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं होली मैं हमेशा बहुत इंजॉय करता हूं और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की जो कि प्यार का त्यौहार है जो कि मोहब्बत का त्यौहार है जो कि भाईचारगी का त्यौहार है जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए आप सदा खुश रहें शाद रहें आबाद रहें हैप्पी होली टू एवरीवन हैप्पी होली मैं ये चाहता था कि अली बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे मैंने गौतम अधिकारी जी के पास इसे असिस्टेंट रखा ये बस से जाता था ये वर्कर्स के साथ बाकायदा बहुत हार्ड वर्क करता था जैसे एक असिस्टेंट करता है उन्हीं के साथ खाना खाता था उन्हीं के ये चाहता तो मेरी गाड़ी में भी जा सकता था लेकिन मैंने कभी इसको गाड़ी दी नहीं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारो आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफें होती हैं आम इंसान जो है किन किन मुश्किलात से गुजरता है ये तुम्हें आना चाहिए तभी तुम्हें पता चलेगा कि आम जिंदगी क्या होती है आम इंसान किस तरीके से जीता है एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि इसके साथ कुछ फेवर ना किया जाए जिस तरीके से और तमाम वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिम तो मैंने पहले से ही इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रखी है ये 18-18 घंटे शूटिंग करता था रात रात भर शूटिंग करता था और बस से आता जाता था बस यही कहना चाहता हूँ ये डायरेक्टर है इसका बाप मेरा लखते जिगर था आज वो है नहीं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिज फादर आई एम लाइक अ फादर टू हिम एंड आई वांट टू सी दैट दिस फेलो सक्सीड्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट और भगवान ने चाहा इसके बाप ने जो मेरी और एकता की मदद की थी उसी तरह ऊपर बैठ के वो देख रहा है इसको वो भी इसकी बहुत हेल्प करेगा इसका फादर दो इज नॉट हेयर इन फिजिकल प्रेजेंस आई एम श्योर ही मस्ट बी विशिंग हिम ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड इट इज द ट्रुथ हिज फादर एंड हिज फादर they played a very big role in Ekta's life when she was making Balaji telefilms they both contributed a lot so we are all very grateful but we are like a family we love each other and we wish each other all the best he is Markand's son and he is Gautam's son Gautam and Markand were both like younger brothers to me Of course, Raza is a good friend of mine, and I'm very happy. He's both important role of Scott, yeah. And very good. So that boy is also taking off. Ah, मैंने तो
फिल्में की कहाँ हैं, लास्ट 25 साल में कोई फिल्म की नहीं है। आई एम अ जॉब डायरेक्टर फॉर लास्ट 22 ईयर्स। जो बस आप लोगों को रिपीट में देखते रहिए, मेरा काम चलता रहेगा। अब ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत आराम से बैठना पड़ेगा, घर पे आना, मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूंगा। मेरे ज़माने में कुछ भी नहीं था, मेरे ज़माने में ऐड भी नहीं होती थी। अभी तो सब लोगों की मेन कमाई ऐड से होती है। हमको तो सुबह सुबह से रात तक घिसना पड़ता था, तब जाके तो थिंग्स हैव चेंज, बट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस। अरे सब 50 के ऊपर है और अभी तो टॉप फॉर्म में भाग रहे हैं, और क्या चाहिए। इतनी लाइफ हो गई एक्टरों की, दे आर डूइंग सो वेल ऑल ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कीपिंग देमसेल्फ वेरी फिट। सर आपका क्या ख्याल है फेवरेट एक्टर? मैं कहाँ नजर आने वाला हूँ, मैं तो बस पैकअप हो गया मेरा एज फार एज फिल्म का कंसर्न। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक दिन डिसाइड किया, दुकान बंद की, बस छोड़ दिया। नहीं अभी अभी, अभी क्या, अब जो करना जितना उखाड़ना था उखाड़ लिया, और कुछ नहीं रहा। बस बस वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो। कह सकता हूँ आप बताइए मुझे क्या कहना चाहिए। मैं आपका एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप भी देखिए, रिमिक्स करना रिमिक्स करिए, नहीं करना मत करिए, खत्म हो गई बात। चलिए हो गया, इधर इधर अभी इनको इनको पकड़ो भी। हाँ हो गया, बोलो कुछ। That's an honor, it's like it's always been like that to us. नहीं नहीं, ये आज के अलग अलग बच्चे बहुत संभले हुए हैं, दे आर वेरी बैलेंस्ड, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम इन फुल फॉर्म। जय माता दी, ही इज द बडिंग एक्टर। मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं आते ही भी नर्वस हो गया हूँ, सर खड़े हैं साथ में, बट आई एम सो हैप्पी कि सर इज हियर एंड एक अपनी ब्लेसिंग्स देने सर आए यहाँ पे। रवि है, अब अभी ये नर्वस है। हाँ अभी मैं दो साल के बाद हेलो भी बोलेगा कि नहीं मालूम नहीं। मालिक के इतना पॉपुलर हो जाए कि हेलो भी ना बोले सर, चलेगा सर, पर पॉपुलर होना चाहिए है कि नहीं। बारिश शूट करने के बाद ध्यान मिल गया वापस। वो आया ये कलाकार यही है। मेन कलाकार। बोलो कुछ भी अपने बच्चों के लिए। आपके सामने क्या बोल सकते हैं, लाइफ में सीखा आपने, आपसे क्या बोले। चलिए थैंक यू, थैंक यू, बाय। कब होली है, कब होली है, कब होली है? जो खेलेंगे होली खेलेंगे, गिली खेलें और सुखी खेलें, पर खेलेंगे जरूर। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, जय माता दी। जी बहुत एक्साइटेड है ये मूवी के लिए, ये मूवी बहुत ही एक स्पेशल मूवी है, बहुत ही दिल से बनाई गई है। जो इसका बैकड्रॉप है वो 80s का है, और जैसे कि आपने जो ट्रेलर देखा होगा वो 80s में जो सबसे बड़ा इवेंट था 83 जो हमारा वर्ल्ड कप था उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये चार दोस्तों की कहानी है। कैरेक्टर मेरे जो कैरेक्टर का नाम है मैडी, वो ज़िंदगी को ऐसे जीता है जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बहुत
बहुत खुश रहता है, बहुत ही फिल्मी है, बहुत मजाकिया है और एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा दोस्त है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहता है। सो ये रही कैरेक्टर की बात। बाकी मूवी की बात करता हूँ, इट्स ऑन हॉटस्टार, मैं आप सब प्लीज़ देखिए, बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी है और मेरी फर्स्ट मूवी है। तो कैसे डिसाइड किया कि ओटीटी पर फाइनली डेब्यू करना है? हमने ऐसा कुछ पहले डिसाइड नहीं किया, पहले हमने मेहनत कर ली और हमने अच्छी चीज़ बना दी, फिर हमने सोचा अच्छा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, साथ में लास्ट के रीसेंट टाइम्स देखते हुए हमने सोचा कि ओटीटी से आजकल बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, हम सब आज के टाइम पे, हम खुद आज अभी जो रिकॉर्डिंग भी चल रही है वो भी फ़ोन पे चल रही है, तो फ़ोन से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। सो एक बार अगर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाती है तो इट्स फॉर लाइफ। बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमने सोचा था कि थोड़ा सरप्राइज़ देंगे सबको, एकदम से ही सारी प्रमोशन एक ही दिन में स्टार्ट करेंगे। बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। फॉर मी ऑल्सो एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो कभी मैंने किया नहीं है, लुक एकदम डिफरेंट है, 80s का लुक है। मेरे बाल आप देखेंगे तो एकदम जैसे अमिताभ सर अपने वो 80s में शोले के टाइम में रखते थे, जो पूरा लुक था वैसे थे। तो एक मेहनत तो काफ़ी करी है, शूट वाइज भी अगर मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में बाहर एक्सटेंसिवली शूट किया है इस मूवी के लिए, एंड आई होप कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दें। जी 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 शुरुआत हुई है, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, चाहे वो टेलीविज़न शो हो, रियलिटी शो हो, खतरो गाना हो याद भी आके आने लगी, या फिर अभी ये वेब की बहुत एक बड़ी फिल्म हो ढीट पतंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ, कहीं ना कहीं कुछ सही चल रहा है, कुछ अच्छे कर रहा हूँ, कोई घर वालों के अच्छे काम है जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, एंड मेरा तो बस यही है कि आप I just want to give my 100% to my audience and to my work. जी 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 देखिए आज ढीट पतंगे की बात करते हैं, याद पिया की आने लगी कि नेक्स्ट साथ में मिलेंगे और वो डांस स्टेप करके दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। हमने बल्गेरिया में बहुत 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 मस्ती की है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी कि कहाँ हैं सारे मिलने वाले हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर रवि अधिकारी। ये क्या गिरा दिया? देखो सबसे बड़ा स्टंट तो हमारा था, जो हमने जैसे ये शूट किया है, हम चंबल में गए थे 52 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, वो स्टंट था। हमने गोवा में, कश्मीर में, कहाँ लॉर्ड्स में, कहाँ कहाँ शूटिंग की है इसकी, तो वो ये अपने आप पे एक स्टंट था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी हमने जल्दी से रिलीज़ करी एंड बहुत अच्छा जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ये बताएंगे सारे मुझे अच्छे से याद है, जब मैं रवि से मिला था तो पहले हमारा कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे अच्छे से याद है जब मैं रवि से मिला था तो मुझे कुछ पता नहीं था स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने बस एक बार स्टोरी सुनी रवि से, मैंने बोला नहीं ये एक मूवी है जो मैं करना चाहता हूँ और आई एम सो हैप्पी कि हमने ये मूवी बनाई और आज इसका रिलीज़ है। किसी भी अभिनेता के लिए उसका काम सराहा जाए और लोग देखें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, और हॉटस्टार में दिखाया जा रहा है तो आई थिंक बहुत सारे लोग, करोड़ों जनता देखेंगी तो अच्छी बात है। इट्स अ ग्रेट टाइम मेरे जैसे अभिनेता के लिए, मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो वेब फिल्म्स में या वेब सीरीज़ में जो मुझ तरह का मुझे किरदार मिल रहा है, जिस तरह का काम मुझे मिल रहा है करने के लिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, सेंसरशिप नहीं होना चाहिए,
क्योंकि दुनिया भर के जितनी भी इंटरनेट की जो दुनिया है इट्स फ्री फ्रॉम सेंसरशिप. आई थिंक सेंसरशिप से, क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनता है, यंग पॉपुलेशन है, दे डू एंड वॉच एवरीथिंग एंड आई थिंक सेंसरशिप वुड कट देम डाउन. फिल्म इज सेट इन 80s. तो उसका जो सपना है, उसका सपना है कि आप जैसे जितने भी आप लोग हैं आप जैसे ही बने, बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट बना. ये उसकी इच्छा है. तो फिल्म में आप देखेंगे बड़ा चल रहा है. तैयारियाँ मेरी नहीं, ओरिजिनल तो है. कौन सा? सॉरी, हाँ नहीं, ओरिजिनल है, लेकिन क्योंकि मैं किरदार के साथ अपना चरित्र, अपना चेहरा बदलते रहता हूँ, तो ये भी वो एक चेहरा है. और नहीं, मैं मतलब जर्नलिस्ट मेरे कुछ मित्र हैं. अक्सर मैं जब इंटरव्यूज़ देता हूँ, जिन जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, इनसे कुछ अंश लिया है मैंने और इस फिल्म में ढाया है मैंने. थैंक यू. मतलब आपने फिल्म देखने से पहले ही कह दिया. Definitely, जैसा प्रोमो लग रहा है एंड द फिल्म इज ऑल्सो सेम वे प्रोमिसिंग. और जैसे रोहित सर की फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. एंड जब सिम्बा, सिंगम और भाले राव एक साथ आ जाते हैं, तो आई थिंक सो दैट्स वॉट द फिल्म इज अबाउट. एंड 24th March, आई गेस दिस इज द सेकेंड बॉलीवुड फिल्म विच इज गोइंग टू बी 24/7 एंड इट्स पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड. इंटरेस्टिंग था बेसिकली थ्री सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना. आई थिंक सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना. इनफैक्ट रोहित सर इज बेस्ट एट वॉट ही डज एंड वेन इट कम्स टू एक्शन ही इज द बेस्ट अमंगस्ट द लॉट. एंड जस्ट एक्साइटेड टू फॉर द फिल्म टू रिलीज. प्रोमो के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड पीपल जिसने भी देखा है मुझे डेफिनेटली मैसेज किया है. सो आई फील दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दैट इवन इन 4 frames इफ अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है आपके काम के लिए, तो वो आपके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट होती है. एंड दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ. एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ धीट पतंगे, जब पतंग की बात आती है, पतंग हवा में खुले आसमान में उड़ती है. और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसे ही है कि क्या मन आपका, जो मन कहता है वो करो लाइफ में, जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो. एंड दैट्स व्हाट द टाइटल सेज, डीट पतंगे. तो इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म एंड ऑफ कोर्स शिविन बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा कलाकार है. तो मैं उसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए वेट कर रहा हूँ. मैं अपने सारे फैंस जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ सूर्यवंशी जाके ज़रूर देखिएगा. और मेरी दूसरी फिल्म है एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और आपकी दुआओं में याद रखिए. और मैं अच्छा काम करते रहूँगा. थैंक यू सो मच. मैं होली की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ. और आपकी ज़िंदगी में होली के रंगों की तरह खुशी आती रहे. और होली अगर आप खेलते हो तो संभल के खेलिए, कहीं बच्चों की आँख में ना जाए. और प्ले सेफ एंड बी हैप्पी. बहुत बहुत अच्छा लगा. रवि इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर भी अच्छा लगा है. सो आई थिंक ऑलरेडी हॉटस्टार पे आ गई है, बट वी वांट एक्सपीरियंस द बिग स्क्रीन. सो वी आर हियर एंड काफ़ी नहीं पता हमको फिल्म के बारे में, बट वी आर डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. They have some amazing cast and of course Ravi is a really really talented filmmaker. So very excited. All the best. All the best. Okay, agar aap serial ki baat hai, aapki dhamaal macha raha hai, to kya kehna chahenge?
Thank you. I think I got a lot of response. Bepana Pyar ke liye bahut hi acha tha, and it just got off air few days back. And I keep saying this in my social media also, that you know, my fans have given me so much love, and I hope I come back soon with another interesting show. Yeah, exactly. Bahut maza aaya. Actually, mera special appearance is cameo tha, but ढाई-तीन महीने चला, बट बहुत मजा आया. एंड राइट नाउ आई एम गियरिंग अप फॉर माय नेक्स्ट गुजराती फिल्म व्हिच रवि इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, कॉल्ड हू मारी वाइफ एंड हस्बैंड. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. हैप्पी होली एंड प्ले सेफ. एक्चुअली बचपन में हम लोग लोगों पे गुब्बारे फेंकते थे, बट आई थिंक अभी ऐसा नहीं करना चाहिए. सो तीन चार दिन पहले से ही लोग गुब्बारे फेंकना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज होली के दिन कीजिए, बाकी दिन मत कीजिए, पूरा मेकअप खराब हो जाता है. सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. अधिकारी ब्रदर्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. मैं स्कूल में हुआ करती थी जब मैंने गौतम जी के साथ अपना शो किया था वक्त की रफ्तार, तो आप समझ सकते हैं कि ये करीबन 25 साल पुराना रिश्ता है मेरा इनके साथ. सो आई विश रवि ऑल द वेरी बेस्ट नाउ दैट ही इज़ टेकन आफ्टर गौतम जी इज फुटस्टेप्स, एंड आई विश हिम गुड लक एंड लोड्स ऑफ लक एंड डीट पटांगे ऑल द बेस्ट. बेहतरीन कलाकार हैं, और रजा जी के साथ भी मैंने बचपन से काम, उन्होंने भी मुझे बचपन से बढ़ते हुए देखा है. तो अभी उनके बेटे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विश देम. मैं क्या ही बोलूँ, मैं जितना बोलूँगी उतना कम रहेगा, बट ऑल आई से इज हार्टिली आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट. एब्सोल्युटली आई एम सो हैप्पी. वो तो आपको रवि से पूछना पड़ेगा. रवि से पूछना पड़ेगा. गौतम जी, और गौतम जी ने तो लिटरली बच्चे की तरह पाला है मुझे, और लास्ट तक मैं उनसे टच में रही हूँ, और आई एम श्योर वो आज भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और बहुत ही खुश होंगे रवि की इस कामयाबी को देखकर. मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली. नहीं, मैं अभी नहीं देखती टीवी, आजकल थोड़ा डिजिटल ज़्यादा चल रहा है ना. सो हाँ, ना वो एक अलग है. टिकटॉक्स मेरे अलग हैं, लेकिन बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर मोर बिग. थैंक यू, वो आप लोगों की वजह से ही होती हूँ. मतलब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम और बनाने की कोशिश करते हैं. जब कोई काम देगा तब. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. थैंक्स. मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है रवि एंड रुबाइना, लाइक फैमिली टू मी. सो आई एम रियली हैप्पी. मैं जानता हूँ कितने अरसे से ही इज बीन वांटिंग टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैन. आई होप इट दिस वन रियली लैंड्स. हाँ जी, बताइए बताइए कितने प्रोजेक्ट करने वाले हैं सब. No, I think it's a special evening for Dheet Patange and Ravi, so we should just stick to that, and I just wish him all the best for it. How anxious are you, Ravi? Yeah? Not looking over. I know the guy is really anxious. Ji. एक्टिंग एंजॉय कर रहा हूँ, डेफिनेटली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेशल ऑफ 17 तारीख को आ रहा है, एंड इनफैक्ट हॉटस्टार पर आ रहा है, व्हिच इज द सेम प्लेटफॉर्म दैट वी शेयर एट द मोमेंट. सो ढीट पतंगे इज आउट ऑन, इट्स आउट ऑलरेडी. ढीट पतंगे इज ऑन हॉटस्टार राइट नाउ, सो प्लीज वॉच इट, एंड ऑन 17 मार्च वॉच स्पेशल ऑफ्स. हाँ जी, मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद होली की. मजे करिए, एंजॉय करिए, एक दूसरे को गंदा करिए, बस कुछ ज़्यादा मत गलत कर देना. सॉरी,
mean, the trailer has been a fantastic, it's been fantastic, sorry, the response to the trailer has been fantastic. I'm extremely excited, and I'm just looking forward now for everyone to watch this on the 17th of March. It's produced, directed by Neeraj Pandey, and I think the entire team, including me and sir, we're all very, very excited. So, when it comes, you'll see, tell me how it's going to इंडस्ट्री में सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे एक्चुअली मुझे करण जोहर जी ने फोन किया था. सो करण हैड कॉल्ड मी ऑन द डे ऑफ द ट्रेलर लॉन्च एंड ही टोल्ड मी ही विश मी द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस. गुड इवनिंग. रोल गाइस, रोल. डीट पतंग के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी शिविन को लेकर है. ही इज़ बीन अ टेलीविजन एक्टर एंड आई रियली वांट टू सी हाउ ही लेट आउट हिज नेचुरल एक्टर इंस्टेड इन दिस फिल्म, बिकॉज कई जगह बोला जाता है दोनों साइंस अलग है, दोनों एक्टिंग अलग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी के हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दैट शेड एंड कम अहेड. सो आई गेस नॉट जस्ट दैट, द बैकड्रॉप इज 83 हमारी फिल्म है एंड 83 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है. तो हाउ कुड आई मिस दिस फॉर श्योर. सो आई हैड टू कम हियर एंड सपोर्ट दिस कॉज. सूर्यवंशी का ट्रेलर निकलते ही 3 मिनट में हम सब ने देख लिया था और 4 मिनट का तो ट्रेलर है. सो मेरी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली चरम सीमा पे है. काम उत्तेजना की चरम सीमा क्रॉस कर चुकी है टू बी ऑनेस्ट. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम समबडी व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट. तो मैं चाहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना हो. सो वट एवर आई गेट इज बोनस एंड व्हेन इज एम्प्लॉई वेरी हैप्पी, नॉट व्हेन ही गेट्स हिज सैलरी बट व्हेन वी गेट द बोनस. सो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑब्वियसली होगी, नॉट बिकॉज के ये फिल्म का हम हिस्सा हैं, ऑल्सो बिकॉज इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगी है. कुछ 8 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग है अंडर बलविंदर सिंह संधू, अंडर कबीर खान हिमसेल्फ. कबीर खान ने खुद भी हमें ट्रेन किया है. मतलब हमारी बस हो जाती थी, भाई कहते थे 1000 पुशअप चैलेंज करना है कि नहीं, मैं कहता था नहीं आज आप करो. सो नॉट जस्ट दैट, 120 दिन का फिल्म का स्केड्यूल था तो एक पूरा साल इस फिल्म को दिया है. सो आई एम ओनली होपिंग कि 365 दिन की ये मेहनत 366th डे पर आके खरी उतरे और हमारी रिलीज बैंग ऑन हो और वॉर का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दे. नहीं नहीं, मैं अपना बचपन से साथ लेके चल रहा हूँ. मेरे को किसी के कोटे से नहीं चाहिए. सो बहुत ज़्यादा ऐसे कंपैरिजन होते थे जब मैं YouTube वीडियोस करता था सिर्फ. अब तो TV और फिल्में भी हैं और फिल्में आएंगी इस साल, आई होप आप देखेंगे. तो तब भी कहा जाता था कि बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह है. मैंने जिम ज्वाइन कर लिया. अब क्या कंपैरिजन करोगे? गरीबों का रणवीर सिंह है, मैंने पैसे कमा लिए. अब क्या कंपैरिजन करोगे? सो वो एनर्जी यस इज इन्फेक्शियस बिटवीन बोथ ऑफ अस. एंड कई बार होता था कि हम दोनों, जैसे मैं विकेट कीपर हूँ और भाई रणवीर स्लिप्स पे खड़े हैं, तो ऐसा होता था कि कबीर खान वहाँ से आवाज़ मारते थे कि अरे यार शूटिंग कर ले, टेक कर ले यार, टेक. कोई टेक नहीं कर रहा है यार, तुम दोनों अपना बंद करोगे क्या? सो हमारा दोनों का चलता रहता था और हम दोनों पैरोडीज बहुत बनाते थे गानों की. हर एक गाने की लात पैर तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था और वो मुझे रोनाल्डो कहते थे इस गेम का, मैं उन्हें मैसी. तो भाई के साथ अलग ही बॉन्डिंग है और मेरी इन्हीं सबके साथ. ही समबडी हु बिल्ड्स द केमिस्ट्री विद एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर, बल्कि विद इज बैट, इज दिस विद इज बोल, ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. सो भाई इस टाइम पर बहुत कड़क चल रहे. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे दोनों बच्चे ही हैं, इन दोनों का डेब्यू है और इनका डायरेक्शन का, इनका प्रोडक्शन का. आई एम रियली हैप्पी और मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी हिट हो. ये इनकी जो पहला ये अटेम्प्ट है ये बहुत कामयाब हो. माय ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम. थैंक यू. फैमिली से आ रहा है, जिस फैमिली ने टेलीविजन की शुरुआत की थी, जैसे आपने शायद पोस्टर में भी देखा होगा, जनरेशन नेक्स्ट. इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड दिस इज अ राइटर हियर. He has written the film, Chintan, and they've done some amazing job, I'm sure. And we just go and scrutinize it now. Please, sir. Thank you for the director. Writer, be.
बड़े लोग हैं यार, मैं अभी ऐसे नहीं बोल सकता. अरे सर, किसने क्या किया है वो देखना पड़ेगा अंदर जाके. मुझे इस साल मुझे बहुत देखेंगे आप हर जगह, दो तीन प्लेटफॉर्म में, एक दो फिल्मों में. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते ना, यू कांट टॉक अबाउट. देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, डेब्यू फिल्म है इनकी भी मेरी भी, और डेब्यू फिल्म में अगर इकबाल खान जैसा एक होनहार बंदा हमारा तारीफ करके जाता है ना, तो हम तो बहुत गॉड ब्लेस लोग हैं. हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता. स्पीकिंग टू मच, जस्ट प्ले सेफ हियर, दैट्स इट, हैव फन इवन अदरवाइज. सोचो अधिकारी ब्रदर्स भी घुस गए इसमें. इट्स द फ्यूचर. थोड़ी काम से बीच में आया हूँ और उससे समझा जा सकता है कि कितना इसको देखने का, इसको देखने की चाह है, उत्सुकता है. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढीट पतंग. तो अब देखिए क्या कहूँ मैं, पतंगे जल जाते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में चलते नहीं हैं, लेकिन कुछ पतंगे ढीठ होते हैं जो जलते नहीं हैं. बस हमें प्यार करते रहिए और क्या, हमारे लिए सबसे ज़रूरी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है. आपकी मोहब्बतों ने इस मकाम तक पहुंचाया है, तो आगे भी बस ये प्यार यूं ही बना रहे. मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा, मेरी कविता की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में किसी भी त्यौहार पर बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख, मेरे यार कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख. शुक्रिया. मैंने अभी अभी ये दो पंक्तियाँ कही. देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये देश बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला देश है, ये देश भाईचारे का देश है, ये देश मिलजुल के रहने वालों का देश है. हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाना है, और देश में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, मोहब्बत और अमन बना रहे, बस यही चाहिए. नॉर्मल कैजुअल बात करूँगी. हाय. सबसे पहले तो पतंगे इसकी स्क्रीनिंग के लिए आई है, आप क्या एक्साइट कर रहा है ज़्यादा इसके? एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिवन इज़ पार्ट ऑफ इट, एंड शिवन इज़ अ डियर डियर फ्रेंड, एंड आई स्टिल रिमेंबर. सपना सबका होता है, एंड उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था. मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके, वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर, बहुत सारा होमवर्क कर रहा था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड टुडे इज़ द डे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए, एंड मेरे खुद के भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर रह के प्लान कर रही थी, पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम. तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया, और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क, एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड आई विल शेयर इट सून. शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था, अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है. जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो आई वॉज द ओनली वन हु यूज़ टू से दैट, अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया. बट एज अ पर्सन ऑल्सो जस्ट डू इट, आई एम नॉट बीन एबल टू फॉलो एनी एपिसोड, बट अब मैं देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया. So I'll go and watch it, but before that I'm going to watch Dheet Patang. Thank you. Thank you. Thank you.
answers. So I think usi platform pe aap answers dhoond lijiye, you might get it. इंसान ना ज़िंदगी में या तो बहुत प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है. मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया, और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था. तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता, एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज. मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही. हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट हुई काम पे, और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे, और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी, तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी. और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी, तो मैं वन ऑन वन भी करती थी. यस, दैट्स फाइन. जब वो रिहर्सल करने वाले थे, तो उसके एक दो दिन पहले हमारी बातें हुई थी, एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम. क्योंकि ये घर में जब हम थे, हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग. आई रियली विश हिम अ बिग 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 सक्सेस दैट ही रियली डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ. अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है, बट आई फील इट इज़ समथिंग. ऑलवेज पीआरशिप इज़ पब्लिक रिलेशनशिप, और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है. कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो. सो कूडोज व्हाट यू गाइज डू, रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी पीआर भी करती है. सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. जी होली खेल कर आई हूँ मैं, आपको रंग बारंग तो दिख ही रहा होगा. सो देर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन जी टीवी, प्लीज फॉलो इट इफ पॉसिबल. होली की ढेर सारी बधाइयाँ, रंग बिखेरे, रंग अपनी जिंदगी में भी लाए, बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली. आर यू सीरियस? वो देखो कौन छुपा है वहाँ. रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ, तो आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ. ओ गर्ल योर माइंड, और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं, और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी, तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना, क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था, तो मैं बहुत डरी हुई थी. बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस, आई वॉज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है. थैंक यू. आई लव रवि. इनफैक्ट his first project as a producer in television I've acted, and he's a very nice person. I'm very 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 happy for him. Okay, agar main baat karu trailer ki, director debut kar rahe hain, to professionalism aapko kitna laga trailer? Main bol raha hu ki wo bahut hi acche aadmi, bahut hi acche director hai. I worked with him in his first project as an actor. Wo produce kar rahe the us waqt, and Ravi Adhikari I'm sure has done a superb job. The kind of person he is, the kind of human being he is, I wish him all the very best. Rashmi, I love her. We share a very close bond. We've known each other for a very long time. Hum bahut saalon se dost hain, and main bahut khush hu uske liye. जी मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में. I've just come for Deed Parinde and Patange, and I'm very happy for Ravi. Thank you. Thank you.
पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकर अधिकारी साहब को. आई थिंक Dheed Patange, you know, it's on web, which is the future. Web is definitely the future. And main khas karke isliye aaya because of Markand ji and unfortunately Gautam bhai ab nahi rahe. Unka beta Ravi hai. Aur Kailash, who is the producer. I want to wish Kailash and Ravi, both of them, super success in Dheed Patange. And being a web series, I'm sure unhone bahut kamal ki film banayi hogi. Web is the future and I'm looking forward to seeing the film. I believe it's a story of friends who are on a travel. और ये obviously it's a new idea, so it'll be fun to watch it. अनुप सर, जो पहले के songs आते थे, जो आपने गाए थे, आपसे audience काफी पसंद करती है, पर इस जो अब जो song आते हैं, वो काफी remix रहते हैं, वो पहले के remix नहीं, कमी नहीं. आई थिंक जैसा वक्त बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं, पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. और अच्छी बात है अगर आप पुराने पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो, तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गाने को सुना नहीं था, वो सुनते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली. और अगर वही कंपोजर करे जिसने गाना, अगर वो है और वो कंपोजर से करवाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. Dheed Patange के लिए मैं आया हूँ. चलो गा देते. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली. रवि और रुबैना जो प्रोड्यूसर और रवि अधिकारी जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं. और मैंने फिल्म देखी है पहले, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड द एंटायर अधिकारी फैमिली. बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, सेंसिटिव, इमोशनल एंड लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट इन इट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत टैलेंटेड बंच है, न्यू पीपल, बट चंदन इज लाइक माई फेवरेट. आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. शिविन, प्रिया, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट इन व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द फिल्म, एंड आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. चारों लड़के जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट किया है. बहुत अच्छी लोकेशंस हैं और बेहतरीन राइटिंग है. डायलॉग्स जहाँ तक हैं वो बेहतरीन है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है. और कहानी में एक बहुत अच्छा हुक डाल दिया उन्होंने शुरू में ही, जो अभी सेकंड हाफ में खुलेगा, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है. और चारों लड़के अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत बढ़िया हैं. अभी फर्स्ट हाफ में तो यही देखा है, अभी सेकंड हाफ में देखते हैं वो जो कहानी में हुक डाला है, जो सस्पेंस डाला है, वो क्या खुलता है, कैसे खुलता है, वो बाकी है देखना है. अली मुराद का काम कैसा है? अली मुराद बहुत ही इंटेंस एक्टर है, डिफरेंट है. आम एक्टरों वाला, आम हीरो वाला नहीं है, अलग लगता सबसे. उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसके फेस पे इंटेंसिटी बहुत है, सीरियस किस्म का बहुत है वो. बहुत ही इम्प्रेसिव है, मिक्स नहीं होता किसी में. ही इज़ नॉट वन ऑफ द हीरो. अलग स्लॉट है उसका, एकदम अलग नज़र आता है, हाइट से भी, शक्ल से भी. और एक सीरियस किस्म का एक्टर जो होता है, इंटेंसिव, बहुत इंटेंस आंखों वाला, वो है. रज़ा मुराद जी से और उनके दादाजी मुराद साहब से मैं समझता हूँ उनको आवाज़ की जो उनकी क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, वो मिली है. और जो आँखें हैं वो दादा से मिली हैं, शक्ल माँ से मिली हुई है, तो सबका मिला जुला है. आज जो उन्होंने जो रोल किया है इस फिल्म में, जी वो किस तरह का है? वो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो सबसे अलग लगता है वो, दूसरा सीरियस किस्म का है, कम बात करने वाला, कम एकदम बिंदास किस्म का नहीं है, एक्स्ट्रोवर्ड नहीं है, इंट्रोवर्ड है, अंदर है, जो सब अंदर ही अंदर रखता है, गंभीर है, सीरियस है, उस किस्म का कैरेक्टर उसका. भाई हीरो तो आजकल वो पहले वाली बात तो है नहीं. अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हीरो हैं, इरफान खान साहब हीरो हैं,
आजकल वो डेफिनेशन रही जो नहीं रही है जो धर्म जी के टाइम पे या जो विनोद खन्ना के टाइम पे थी। अभी वो दौर बदल गया है, अभी जो अच्छा एक्टर है वो हीरो बन सकता है। मैंने देखी है, दूसरी बार देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब देख के बाहर निकल रहे हैं इंटरमिशन पे और मुझे बोल रहे हैं दैट्स ब्रिलियंट, वेरी नाइस, वेरी स्वीट एंड पीपल आर लाइकिंग माय वर्क। तो मेरा काम अच्छा लग रहा है सबको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म स्ट्रीम हो रही है फिलहाल हॉटस्टार पे, सो प्लीज़ गो वॉच इट। बहुत ही प्यारी मूवी है, इट्स अ फील गुड फिल्म। दो चार दोस्तों की कहानी है, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ मूवी। बहुत प्यारी फिल्म है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हसमुख फिल्म है, बहुत हैप्पी फिल्म है। इट्स अ फिल्म अबाउट अ जर्नी ऑफ फोर फ्रेंड्स, उनकी कहानी है, अलग अलग कहानी। एक दोस्त की कहानी का हिस्सा मैं हूँ, आई एम द लव स्टोरी इन द फिल्म। बहुत ही अच्छे से बनाई गई है, बहुत प्यार से बनाई गई है एंड यू गाइस विल लव इट फॉर श्योर। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, बट फिलहाल इसी के बारे में बात करते हैं। मैं कहूँगी कि हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है फिल्म, प्लीज़ जाके देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी फिल्म। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स वेरी हार्ड टू हेट और नॉट लाइक अ फिल्म लाइक दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा अली के साथ काम करके। बहुत उनके डैड जो है, बहुत मतलब उनका ऐसा मतलब बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, पर अली बहुत सॉफ्ट नेचर का है। बहुत इस फिल्म में तो बहुत अच्छी उर्दू भी बोली उन्होंने, वेरी 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 स्वीट बॉय एंड वेरी हार्ड वर्किंग, सो इट वाज लवली वर्किंग विद हिम। बहुत उत्साह है, देखिए आपकी पहली फिल्म आती है बाहर तो उत्साह तो होता ही है, तो नर्वसनेस है, थोड़ी एंग्जाइटी है, बट उत्साह भी बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है। तो जी आपको मेरे डैडी से पूछना चाहिए कि उनको कितना उत्साह है, पूछा आपने? जी 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 जी, देखिए बहुत मेहनत करी हमने, एक्टिंग वर्कशॉप्स करी 2 महीने पहले और हमने डिक्शन किया, हमने एक्टिंग वर्कशॉप्स करी, हमने जो कश्मीरी एक्सेंट है उसकी ट्रेनिंग करी। तो मेहनत तो बहुत हुई है फिल्म में, बड़ी प्यार से, बड़ी ऑनेस्टी से ये फिल्म बनी है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी फिल्म। जी जी जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक जो चंदन हैं, प्रिया हैं, शिविन हैं, हार्दिक हैं, सबने बड़ा अच्छा काम किया है, सबने बड़ी मदद करी मेरी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करना। जी 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 जी, देखिए मैं ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी और कोई नहीं है। जो इसकी व्यूअरशिप है, जैसे आप हॉटस्टार को लें, 350 मिलियन व्यूअरशिप है इसकी। तो अगर आपकी फिल्म ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो बहुत लोग देखते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी बार जब थिएटर में फिल्म्स आती हैं तो लोग देखने नहीं जाते, यहाँ पे आप अपने घर में बैठ के, अपने एयर कंडीशन में बैठ के खाना खा रहे हैं, जब आप तब देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में आ गया और बहुत बड़ा हो गया है। आई थिंक जी, देखिए डैडी की जो आवाज़ है वो तो सभी जानते हैं, बट इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो आवाज़ है इनकी सटल एक्टिंग पे कभी कभी भारी हो जाती है। तो इनकी जो सटल एक्टिंग है, जो नेचुरल एक्टिंग है, उससे मैंने काफ़ी सीखा है। तो बस यही बोलना चाहूँगा, यू नो, और इसके अलावा क्या बोलूँ और मैं। जी बस अच्छा काम करता रहूँ,
अच्छे लोगों के साथ काम करूं और मेरा काम अप्रिशिएट हो, होपफुली लोगों को पसंद आए, ये नहीं बोलें कि रजा मुराद का बेटा एक्टिंग नहीं कर सकता, बट बस यही है कि बस लोगों को खुश रखूं। बिल्कुल, देखिए हमारा जो परिवार है तकरीबन 80 साल से है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सी बातें मैंने अपने पिताजी से सीखी, बहुत सी बातें मैं अली को सिखाता हूँ कि फोकस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, और जब आप काम करें तो आपके और आपके काम के दरमियान कोई दूसरी चीज़ ना हो, और अगर आप फोकस्ड हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप काम अच्छा ना करें। जो इंसान फोकस होता है वो यकीनन अच्छा काम करता है, तो बस यही नसीहत करता हूँ। बाकी ये आज की जनरेशन है, ये अपना अच्छा बुरा समझते हैं ये लोग, कभी हम कहते हैं तो इन्हें शायद ये लगता होगा कि बिल्कुल बिल्कुल मौका मिले तो मैं बिल्कुल काम करना चाहूँगा। बस एक बात है, ये जब आएंगे मेरे सामने तो शायद मुझे थोड़ा डर लग जाए, इनकी आवाज़ से बड़े बड़ों की बैंड बज जाती है, तो बस मज़ा आएगा मगर काम करने में, होपफुली मौका मिलेगा। जब बाहर वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं उस चीज़ में यकीन नहीं रखता कि मैं बेटे के लिए फिल्म बनाऊँ। अगर बेटे में दम है, अगर बेटे में टैलेंट है तो उसे यकीनन बाहर से ही काम मिलेगा। ऐसे कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बेटों को लॉन्च किया है और उन्होंने अपने हाथ जला लिए हैं। तो ये जो है लाइन, ये इमोशंस की या दोस्ती निभाने की नहीं है, ये तो बिजनेस है। जो सूट करता है आप उसे लेते हैं, सही डायरेक्टर जो होगा, राज कपूर साहब ने मुझे लिया, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, उन्हें ऐसा लगा कि मैं शूट कर रहा हूँ रोल को तो उन्होंने मुझे बुलाया। इसी तरीके से संजय लीला बंसाली जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, उन्हें लगता है कि मैं फला रोल में शूट करता हूँ तो मुझे बुलाते हैं, या उन्हें ये विश्वास होता है कि मैं रोल के साथ पूरा इंसाफ कर पाऊँगा तो मुझे बुलाते हैं। इसकी पहली फिल्म है, लोग देखेंगे तो यकीनन लोगों को विश्वास जागेगा कि ये बच्चा काम कर सकता है, तो इसे बुलाएंगे। जी मैं ये होप कर रहा हूँ कि अब संजय लीला बंसाली साहब मुझे बुला लें। ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू।